हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं आप सबसे। जब तक तुम कमजोर हो या जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होता रहेगा। ये नियम है सर। एक कहानी बताता हूं। एक पक्षी है रेवन, जो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है। और बाज है शाहीन, पक्षियों का राजा है सर, वो शाहीन है। शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है वो। जब भी शेर बाज की आवाज सुनता है ना, वो भागता है, शेल्टर की तरफ भागता है। और रेवन जो है उसके कंधे पे जाके बैठ जाता है, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है। तो बाज क्या करता है, बाज अपनी उड़ान बढ़ता है और ऊंचाई की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, उड़ान बढ़ता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है और रेवन जो है भाग जाता है। तो तात्पर्य यह है, अपनी ऊंचाई को बढ़ाओ, अपनी ऊंचाई को बढ़ाओ, अपने अंदर पावर लाओ। जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, जिनसे तुम्हारा दम घुटता है, जो तुम्हें परेशान करता है, वो तुम खुद तुम्हें छोड़ के भाग जाए, उनका दम घुटना लग जाए। इतना ऊंचा उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो। जो भी आसपास है, जो भी अगल बगल लोग हैं, जो तुम्हें जिनसे तुम परेशान होते हो, जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें इंस्पायर नहीं करते हैं, इतनी नॉलेज गेन कर लो कि वो तुम्हारे आसपास रहे ना। ऊंची उड़ान मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूं बार बार, ऊंची उड़ान बढ़ो, ऊंची उड़ान बढ़ो। इसका मतलब ये, अपने अंदर पावर लाओ, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ। पावर आती है नॉलेज से। जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, उतनी नॉलेज गेन करो। आप हमारे साथ जुड़ते हैं या कहीं भी जाते हैं, मैं कहता हूं हमारे साथ जुड़िए। आप इस बार एक बार जुड़ के देखिए, आपको डिफरेंस फील होगा। किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का, बस ये तीन क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए। क्या है, क्यों है, कैसे है, व्हाई, व्हाट, हाउ। आप लोग तैयारी करते हैं, एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर ही दिमाग में इतना ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। और जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इन डेप्थ, ये तीन क्वेश्चन अगर दिमाग में रहेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, एग्जाम अपने आप क्लियर होगा। नॉलेज के लिए लड़ो, नॉलेज के लिए लड़ो कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर लोग आपके पास खुद आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। लोग आपके पास बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ एसोसिएट हो। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरव्यू देने जाओगे, खुद बोलेंगे आओ जुड़ो हमारे साथ। आज तो नीड है इस कंट्री की, रिसर्च साइड पे नीड है इस कंट्री की। और जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे वो इसरो हो, बार्क हो, DRDO, कोई भी PSU हो, ESC हो, लोग खुद बोलेंगे कि आप थे कहां अभी तक। जिस दिन नॉलेज के लिए लड़ोगे कि भाई मेरे को नॉलेज गेन करनी है, उस दिन देखना आपको खुद मजा आने लगेगा पढ़ने में। आप स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं सर, आप स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, उसको थोड़ा साइड पर रखिए। एग्जाम अपने आप क्लियर होगा, मैं तो वो बोल ही नहीं रहा, एग्जाम अपने आप क्लियर होगा। आखिरी में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमारे साथ जुड़िए और एक साल के लिए शिक्षा को धर्म बना लीजिए सर। एक साल शिक्षा को धर्म बना लीजिए। गोली आपको चलानी है, बंदूक आपको उठानी है, गोली आपको चलानी है। हम सिर्फ एक मसीहा हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, हर तरीके से आपकी मदद करेंगे सर। 13th को आइए, मिलते हैं और आपको मजा आएगा और आपको फील होगा कि हाँ यही वो चीज थी जो हमें चाहिए था। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, 13th को मिलेंगे। और इसके बाद भी पूरा शेड्यूल पता चलेगा क्लासेस का, कैसे कैसे है, क्या है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।